बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम सामाइन, बाबे इलम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, मेरी नज़र से जब भी कोई अच्छी चीज़ गुज़रे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके साथ शेयर कर लूँ। आज भी मैं ऐसी ही एक मोटिवेटिव स्टोरी आपके लिए लेके आई हूँ। समय किसी गांव में एक बहुत पुराना कुआं था और कुएं के बिल्कुल पास से एक चश्मा बह रहा था। कुआं बहुत पुराना होने की वजह से दीवारें बोसीदा हो चुकी थीं, पानी उसमें बहुत कम था, लेकिन उसकी दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा था और गौर करने पर पता चल रहा था कि वो लिखा हुआ है, ख्वाहिश का कुआं, आओ किस्मत आजमाओ। एक दफ़ा एक नौजवान पैदल सफ़र तय करते हुए उस कुएं के पास से गुज़रा। जब कुएं के पास से गुज़रा, उसने अल्फाज को देखा, पढ़ा, तो उसके दिल में लालच पैदा हो गया। सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं? अगर मुझे इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात यहाँ से मिल जाएं, अमीर हो जाऊं, तो क्या ही बात है। उसने अपने दिल में सोचा कि ऐ काश मुझे आज इस कुएं से बहुत सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी मिल जाएं, मैं बहुत अमीर हो जाऊं। ये सोचकर उसने आंखें खोलीं, इधर उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसे एक बहुत बड़ी बाल्टी हीरे जवाहरात से भरी हुई नज़र आई। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और खुश भी हुआ। अब उसने कुएं के साथ रस्सी से एक बाल्टी बंधी हुई थी, उसको कुएं के अंदर फेंका ताकि इस बाल्टी के ज़रिए वो दूसरी बाल्टी को बाहर निकाल ले। लेकिन वो नाकाम हो गया, क्योंकि एक छोटी सी बाल्टी से वो एक बहुत बड़ी हीरे जवाहरात से भरी हुई बाल्टी नहीं निकाल सका। फिर उसने अपने जहन में कुछ सोचा, सोचने के बाद इधर उधर देखा और पास ही ज़मीन पर पड़े हुए पत्थर चुन लिए। अब उसने ये ख्याल किया कि जूँ ही मैं ये पत्थर फेंकूँगा, पानी ऊपर आ जाएगा और मैं ये बाल्टी निकालने में कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन ये उसका वहम था, ये उसका गुमान था। जैसे ही उसने पत्थर कुएं के अंदर फेंके, वो कुएं के अंदर पानी में गिरने के बजाय वो पत्थर बाल्टी में गिर गए। बाल्टी और भारी हो गई और पानी के और अंदर चली गई। उस शख्स ने बहुत कोशिश की, कुछ देर कोशिश करता रहा, इधर उधर के हीले लगाता रहा, लेकिन फिर नाकाम हो गया, मायूस हो गया और उसने अपनी मायूसी को तस्लीम कर लिया, नाकामी को तस्लीम करके अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया, मायूस होकर वापस चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद इसी रास्ते से एक और नौजवान का गुज़र हुआ। उस नौजवान ने भी चलते चलते कुएं की तरफ नज़रें उठाईं तो अल्फाज लिखे हुए पड़े। वो अल्फाज थे, ख्वाहिश का कुआं, आओ किस्मत आजमाओ। अब वो शख्स कुएं के पास गया, उसने भी अपने दिल में सोचा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है जो मैं पाना चाहता हूँ। आंखें बंद की और दिल में सोचा, दुआ की, ऐ काश आज इस कुएं से मुझे एक बहुत कीमती अंगूठी मिल जाए। मैं अपने घर जाऊँगा, अपनी बीवी को वो अंगूठी दूँगा, मेरी बीवी खुश हो जाएगी, मेरे घर में सुकून होगा और मेरी बीवी की खुशी और मेरे घर का सुकून ही मेरी खुशी है और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसने आंखें खोली, इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही कुएं के अंदर देखा तो उसे एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही नायाब सी अंगूठी नज़र आई। अब उसने भी उसको निकालने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने भी कुएं के साथ जो बाल्टी बंधी हुई थी उसको कुएं के अंदर फेंका और अंगूठी निकालनी चाही, लेकिन कुएं में पानी बहुत थोड़ा था, वो नाकाम हो गया। फिर उसने जहन में कुछ सोचा और कुएं के साथ जो बाल्टी बंधी हुई थी उसको खोल लिया। खोलने के बाद उसने पास ही जो चश्मा बह रहा था वहाँ से पानी की बाल्टी भरी
और लाके कुएं में डाल दी। फिर वापस गया, पानी की दूसरी बाल्टी चश्मे से भरी और लाके कुएं में डाल दी। इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवीं, यहाँ तक के सुबह से शाम हो गई। वह शख्स चश्मे से पानी की बाल्टियाँ भरता रहा और कुएं में डालता रहा ताकि पानी ऊपर आ जाए और वह अपनी अंगूठी को आसानी से उठा ले। अब वो थकन से चूर हो चुका था लेकिन मायूस नहीं हुआ था। उसे अपने आप पर और अपने अल्लाह पर भरोसा था। अब पास से लोग गुजर रहे थे, रास्ता जो था, आप लोगों का भी तजर्बा होगा कि लाइफ में 90% लोग जो हमसे टकराएं वो नेगेटिव बातें करते हैं। पॉजिटिव बातें करने वाले, अच्छी बात, अच्छा मशवरा देने वाले सिर्फ 10% लोग होते हैं। तो पास से गुजरने वाले उसे बता रहे थे, कह रहे थे, मशवरे दे रहे थे, ये नामुमकिन है, तुम किस काम में लग गए हो, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, ये छोड़ दो। लेकिन वो शख्स जैसे बहरा हो गया था, उसने ये नेगेटिव बातें सुनी लेकिन अपने कानों को बंद कर लिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे अपनी मेहनत पर, अपने अल्लाह पर भरोसा था। समय फिर उसकी मेहनत रंग ले आई और उसने देखा पानी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। उसने हाथ बढ़ाया और पानी के ऊपर से वो कीमती और नायाब अंगूठी उठा ली। वो कामयाब हो गया। समय हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह के ख्वाहिशात के कुएं हैं जिन पे लिखा हुआ है, आओ किस्मत आजमाओ। समय आगे बढ़ने और कामयाब होने के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखना ज़रूरी है, फिर उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करना, एक अच्छा फैसला और सही वक्त पर सही फैसला करना ज़रूरी है। सख्त मेहनत, अपने आप पर और अपने रब पर भरोसा इंसान को कामयाब कर देता है। सबसे ज़रूरी चीज़, नेगेटिव लोगों को नज़रअंदाज करें, नेगेटिव बातों को, मायूसी वाली बातों को नज़रअंदाज करें। जो आपने काम शुरू किया है उसको ये यकीन कर लें कि आपने कामयाब होना है। आपका कामयाबी पर यकीन आपको कामयाब करेगा। जो मनफी बातों को अनसुना कर देते हैं वही कामयाब होते हैं, जो सख्त मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं, क्योंकि रास्ता जितना कठिन होगा मंजिल उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। सामाइन, अगर खुशी पानी है, सुकून पाना है, खुद तौकीरी पानी है, तो फिर मेहनत, लगन, वक्त और मुस्तकिल मिजाजी देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ दिए बगैर कुछ लिया नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस दूसरे नौजवान ने सब्र, मेहनत, इस्तकामत, मुस्तकिल मिजाजी और सही वक्त पर सही फैसला कर लेने से कामयाबी पाई। सामाइन, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। बाबे इलम पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि बाबे इलम पर हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।